हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक राज है और आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल योर स्टडी पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के थर्ड लेक्चर को, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमें आज पढ़ना है एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इन टू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। हमने जाना था कि स्टोमक में HCL होता है, म्यूकस होता है और डाइजेस्टिव जूसेज होता है जो कि प्रोटीन को पचाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में वहाँ से फिर जाता है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है भोजन स्टोमक तक। तो वहाँ से अब भोजन कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इन टू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। अब जो पचा हुआ भोजन रहता है वह इंटेस्टाइन के वाल में जो ब्लड वेसल होते हैं उनमें पास कर जाता है, मतलब वहाँ उसके द्वारा जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन, और यह जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है, इसी को अब्जॉर्प्शन बोला जाता है। द इनर वाल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउट ग्रोथ्स। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का अंदर का वाल होता है उसके पास हमारे उंगलियों की तरह हजारों आउट ग्रोथ होते हैं। इन्हें व्हीली कहा जाता है, व्हीली, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। और सिंगुलर इसका होगा विलस। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन? क्या आप बता सकते हैं कि विली का रोल इंटेस्टाइन में क्या होता है? तो चलिए जानते हैं। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। जो पचा हुआ भोजन रहता है उसका अब्जॉर्प्शन के लिए विली क्या करता है? सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। आप जानते होंगे सरफेस एरिया क्या होता है, मैथ में आपने पढ़ा होगा। तो ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, तो ये इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। ईच विलस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। जो प्रत्येक विलस होता है उसके पास नेटवर्क होता है पतले और छोटे छोटे ब्लड वेसल्स का, उसके सरफेस के आसपास जो ब्लड वेसल रहते हैं छोटे छोटे और पतले, उसके पास एक नेटवर्क होता है उन सभी का। द सरफेस ऑफ द विली अब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। जो विली का सरफेस होता है वह क्या करता है? डाइजेस्टेड फूड जो मटेरियल्स होते हैं डाइजेस्टेड फूड के, उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, मतलब उनमें का न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करता होगा। द अब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स। और जो अब्जॉर्ब अवशोषित पदार्थ होते हैं वह ब्लड वेसल्स के द्वारा, मतलब रक्त जो वेसल्स होते हैं उनके द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं शरीर के विभिन्न भाग में, अल्टीमेटली सभी सेल में, वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज द प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाई द बॉडी। मतलब शरीर के विभिन्न भाग में भेजे जाते हैं जहाँ पर इन्हें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में बदला जाता है, फिर बनाया जाता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। जैसे कि प्रोटीन जहाँ पर ज़रूरी होगा वहाँ पर प्रोटीन बनाया जाएगा, जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जरूरी होगा वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट बनाया जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एसिमिलेशन, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। कोशिकाओं में क्या होता है, सेल्स में ग्लूकोज यानी कि फूड वह ऑक्सीजन की मदद से उनको तोड़ा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में, और एनर्जी क्या होता है उस समय रिलीज होता है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब इंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो भोजन रहता है वह अनडाइजेस्टेड जो भोजन रह जाता है और अनअब्जॉर्ब रह जाता है वह अब लार्ज इंटेस्टाइन में चल जाता है। और ये जो ग्लूकोज में हमने पढ़ा है कि सेल में ग्लूकोज ऑक्सीजन के मदद से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में रिलीज होता है, इसके बारे में हम आगे के चैप्टर में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने जाना कि जो अधपचा भोजन रह जाता है, अनऑब्जॉर्ब रह जाता है, वह अब लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन चौड़ा होता है लेकिन छोटा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, या 1.5 मीटर इसका लेंथ होता है, लंबाई इसकी 1.5 मीटर होती है, लंबाई नहीं मतलब इसका लेंथ 1.5 मीटर होता है।
अब इसका फंक्शन क्या होता है, इसका काम क्या होता है। इट्स फंक्शन इज टू अब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। इसका काम होता है जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रह जाते हैं उसमें से पानी और कुछ नमक को अब्जॉर्ब करना, अवशोषित करना। इसके फंक्शन को भी अंडरलाइन कर लीजिए। द रिमेनिंग वेस्ट पासेज इन टू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फेसेस। जो बचा हुआ अब वेस्ट होता है वह रेक्टम में चला जाता है और वहाँ पे सेमी सॉलिड फेसेस के रूप में रहता है। द फेशियल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। और समय समय पर एनस के द्वारा जो फेशियल मैटर रहता है वह रिमूव्ड होता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इजेशन बोलते हैं। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। अब है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। घास खाने वाले जो जानवर होते हैं उसमें किस प्रकार का पाचन होता है वो अब हम जानेंगे। उससे पहले ये डायरिया के बारे में जान लीजिए, क्योंकि इसके बाद हमें पेज टर्नओवर करना होगा। सम टाइम यू मे हैव एक्सपीरियंस्ड द नीड टू पास वाटरी स्टूल फ्रिक्वेंटली। कभी कभी आपने यह एक्सपीरियंस किया होगा वाटरी स्टूल, जब हमारे शरीर से ज़्यादा पानी निकलने लगता है। दिस कंडीशन इज नोन एज डायरिया। और इसी हालत को डायरिया कहा जाता है। इट मे बी कॉज्ड बाई एन इन्फेक्शन, या इन्फेक्शन के द्वारा हो सकता है, फूड पॉइजनिंग के द्वारा हो सकता है, या फिर इनडाइजेशन के द्वारा हो सकता है। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया, या भारत में बहुत ही साधारण बीमारी है, मतलब डायरिया, पार्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रन, खासकर बच्चों में। अंडर सेवर कंडीशंस इट कैन बी फैटल, और कुछ सेवर कंडीशन में यह भयानक रूप भी ले सकता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड साल्ट फ्रॉम द बॉडी। मतलब यह भयानक रूप इसलिए लेता है क्योंकि जब ज़्यादा मात्रा में पानी और नमक हमारे शरीर से निकल जाता है, इसलिए यह बहुत ही भयानक रूप ले सकता है। डायरिया शुड नॉट बी निगलेक्टेड, इसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। इवन बिफोर अ डॉक्टर इज कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल वाटर विद अ पिंच ऑफ साल्ट एंड शुगर डिजॉल्व इन इट। यहाँ तक कि डॉक्टर से कंसल्ट करने से पहले पेशेंट को बॉइल्ड, मतलब खौलाया हुआ और ठंडा किया हुआ, मतलब सुसुम पानी को पिंच ऑफ साल्ट, मतलब नमक, एक चम्मच नमक और एक चम्मच चीनी मिलाकर देना चाहिए। इसको कहा जाता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, या बाजार में भी मिलता है, आप जानते होंगे। अब है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। हैव यू एब्जॉर्व काउज, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चीविंग कंटिन्यूसली इवन वेन दे आर नॉट ईटिंग। क्या आपने देखा है गाय हो गया, बैल हो गया और अन्य जो घास खाने वाले जानवर हैं, वह लगातार चबाते रहते हैं। जब वो खाना नहीं भी खाते हैं तब भी इस तरह चबाते रहते हैं। Actually, they quickly swallows the grass and store it in a part of the stomach called rumen. आप जब आपके घर पर गाय आती होगी तो आप गाय को खाना खिलाते होंगे तो देखते होंगे कि वह डायरेक्ट खा जाती होगी, उसके बाद थोड़ी देर बाद वह उसको चबाने लगती होगी। उस समय नहीं चबाती होगी जिस समय आप उसको खाना देते होंगे, वह बाद में चबाती होगी। तो वास्तव में वह उस समय, मतलब घास को या फिर आप जो भोजन देते हैं उसको निगल जाती है और अपने पेट के एक भाग में, जिसको रूमेन कहते हैं, उसमें एकत्रित करती है, स्टोर करती है। हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड। और यहाँ पर क्या होता है, भोजन पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है और इसको कर्ड बोला जाता है। जिस तरह हमारे शरीर में, स्टोमक में भोजन पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है और संपूर्ण तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, उसी तरह इसमें भी पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है र्यूमेन में, और उसको क्या कहा जाता है, तो कर्ड कहा जाता है। बट लेटर, लेकिन बाद में, द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यूज इट। लेकिन बाद में जो भोजन होता है कर्ड, जिसको कह रहे हैं हम लोग, वह माउथ के स्मॉल लम्प्स में आता है और जानवर उसको चबाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, र्यूमिनेशन कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। और इन ऐसे जानवरों को क्या कहते हैं, तो रिमिनेंट्स कहते हैं। तो गाय हुई रिमिनेंट्स, बफेलो हो गया रिमिनेंट्स, और जैसे कि ग्रास में, ग्रास ईटिंग एनिमल्स में आपका बकरी हो गया। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। ग्रास में क्या होता है, सेलुलोज होता है, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है
मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, बहुत से जानवर जिसमें मानव भी आते हैं, वो सेलुलोज को नहीं पचा पाते हैं। क्यों नहीं पचा पाते हैं? क्योंकि इस गाय में एक सर्टन बैक्टीरिया होता है जो कि हमारे अंदर नहीं पाया जाता है और अन्य जानवरों में भी नहीं पाया जाता है। आप देख सकते हैं रिमिनेंट का डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ से ये भोजन लेता है। ये ओसोफेगस है, जिस तरह हमारे शरीर में ओसोफेगस होता है इसमें भी होता है। और ये र्यूमेन है, इसमें वह स्टोर करता है। और ये नीचे वाला भाग स्टोमक है, पीला पीला आपको दिख रहा होगा। और ये वाला भाग इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये वाला भाग। और ये भाग लार्ज इंटेस्टाइन है, और यही रूमेन है। और ये कैशियम है। रूमिनेंट्स हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कैशियम बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। रूमिनेंट्स के पास एक लार्ज सैक होता है, जिस तरह गैल ब्लैडर भी एक सैक होता है, हमने पीछे पढ़ा था। तो इसमें भी एक बड़ा सैक होता है, सैक के जैसा स्ट्रक्चर होता है, बनावट होता है, जिसको कैसम कहा जाता है। कहाँ पे होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होता है। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। भोजन का जो उसका उसमें सेलुलोज पाया जाता है, वह वहाँ पर एक खास तरह के बैक्टीरिया के एक्शन के कारण वह डाइजेस्ट होता है, पाचन होता है, जो कि हमारे शरीर में नहीं होता है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि व्हाई डज ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, तो यही आंसर होगा। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। So far you have learned about animals which possess the digestive system. अब तक हमने पढ़ लिया जानवरों के बारे में जो डाइजेस्टिव सिस्टम रखते हैं। बट देयर आर मेनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव अ माउथ एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन बहुत से ऐसे छोटे छोटे जीव हैं जिनके पास ना मुँह है ना डाइजेस्टिव सिस्टम है। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड, तब वे कैसे मतलब भोजन लेते कैसे हैं और उसको पचाते कैसे हैं? इन द सेक्शन बिलो, नीचे आप जानेंगे इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक, भोजन लेने का एक अनोखा तरीका आप जानेंगे। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, अमीबा में जो फीडिंग एंड डाइजेशन होता है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमीबा क्या होता है? एक माइक्रोस्कोप से देखा जाने वाला यूनिसेल्युलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो कि पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन, अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स। अमीबा के पास क्या क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, और छोटे छोटे बबल के जैसे वैक्यूल्स होते हैं उसके साइटोप्लाज्म में। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज शेप एंड पोजिशन। अमीबा क्या करता है? लगातार अपना शेप और पोजिशन बदलते रहता है। क्या आप जानते हैं वह क्यों बदलता है? तो इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड प्रोसिडोपोडिया और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। यह एक या अनेक फिंगर जैसे प्रोजेक्शन बाहर निकालता है, जिसको प्रोसिडोपोडिया कहा जाता है या फॉल्स फीट कहा जाता है। क्यों निकालता है? तो भोजन को कैप्चर करने के लिए और मूवमेंट के लिए। देखिए, ये हो गया प्रोसिडोपोडिया, ये हो गया, ये हो गया, ये जो बाहर निकले हुए हैं ये हैं, ये हो गया प्रोसिडोपोडिया, और ये वैक्यूल हो गया हमारा, ये न्यूक्लियस हो गया, ये इंजेस्टेड वेस्ट मतलब ये निकाल दिया। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अमीबा फीड्स ऑन सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों पर फीड करता है, मतलब उसका भोजन कुछ सूक्ष्म जीव ही होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। व्हेन इट सेंसेस फूड इट पुशेज आउट स्यूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड इनगल्फ्स इट। जब इसे भोजन की आवश्यकता होती है तो यह अपना स्यूडोपोडिया बाहर निकालता है और फूड पार्टिकल को लेता है और उनको इनगल्फ कर लेता है। द फूड बिकम ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल। और भोजन कहाँ पे फंस जाता है? तो फूड वैक्यूल में फंस जाता है। डाइजेस्टिव जूसेज आर सेक्रेटेड इन टू द फूड वैक्यूल। डाइजेस्टिव जूस उस फूड वैक्यूल में छोड़ दिए जाते हैं। उसके बाद जैसे कि सभी ऑर्गेनिज्म में डाइजेस्टिव जूस छोड़े जाते हैं, उसी तरह इसमें भी डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट होते हैं। दे एक्ट ऑन द फूड, वह भोजन पर काम करते हैं एंड ब्रेक इट डाउन इंटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में बदल देते हैं। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब, धीरे धीरे जो डाइजेस्टेड पाचन मतलब पचा हुआ भोजन होता है वह अब्जॉर्ब होता है
द ऑब्जॉर्ब सब्सटेंसेज आर यूज फॉर ग्रोथ मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लीकेशन। और ये जो ऑब्जॉर्ब सब्सटेंसेज होते हैं वो अमीबा अपने ग्रोथ मेंटेनेंस और मल्टीप्लीकेशन के लिए प्रयोग करता है इसका, जिस तरह हम लोग करते हैं। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड, और जो नहीं पचता है भोजन, रेसिड्यू रह जाता है, वह वैक्यूल के ही द्वारा बाहर निकाल दिया जा सकता है जाता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स। जो डाइजेशन भोजन का पाचन का क्रिया होता है और एनर्जी का रिलीज होता है वह लगभग सभी जानवरों में सेम होता है। इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ऑब्जॉर्ब बाई द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आगे आने वाले पार्ट में आप पढ़ेंगे भोजन का ट्रांसपोर्ट इंटेस्टाइन से, मतलब हम जानते हैं कि इंटेस्टाइन में भोजन पूरी तरह ऑब्जॉर्ब हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद वह पूरे विभिन्न भागों में कैसे भेजा जाता है इसके बारे में हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में मैं आपको इस चैप्टर का रिवीजन करवाऊँगा। थैंक यू।